उत्तर भारत की प्रसिद्ध भीमनगरी आयोजन को लेकर आगरा में भीमनगरी केंद्रीय आयोजन समिति के पदाधिकारियों ने बैठक की। बैठक के दौरान क्षेत्रीय समिति के पदाधिकारी भी मौजूद रहे, जिसमें सभी महानुभावों ने इस वर्ष नगला पद्मा में आयोजित होने वाली भीमनगरी को और भी भव्य बनाने का संकल्प लिया। बैठक में शोभा यात्रा में निकलने वाली झांकियों के स्वरूप पर भी चर्चा की गई, जिसमें समिति के लोगों ने उनको इस बार और बढ़ाने की बात पर जोर दिया। आपको बता दें कि इस शोभा यात्रा में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन से संबंधित संदेश आम जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है और दलितों की राजधानी में इस आयोजन को करने का मकसद भी यही है। इस संबंध में समिति के पदाधिकारियों ने अपनी बात रखी। दोनों ही समिति बल्कि तीनों समिति अम्बेडकर जो बाबा साहब शोभा यात्रा निकलती है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की शोभा यात्रा निकलती है 14 अप्रैल को, उसमें हम मंथन के लिए बैठे हैं। तो ये बहुत विशाल और बहुत भव्य मेला है ये, तो इसके लिए हम लोग आज जो प्रशासन की गाइडलाइन होती है उसी के ऊपर हम लोग शोभा यात्रा को निकालना है। तो 2 साल कोविड की वजह से बहुत ही जो हमारे खराब गए हैं, पिछली बार भी जो हमने शोभा यात्रा और भीमनगरी मनाई थी उसके बाद कोविड का बहुत बड़ा प्रकोप रहा। इस बार तथागत के आशीर्वाद से ऐसा कुछ नहीं है और ना लग रहा है कि सब कुछ ठीक रहेगा, सामान्य रहेगा। तो हम लोग आज इसीलिए बैठे हैं कि हम लोग शोभा यात्रा की तैयारी करें। भीमनगरी अम्बेडकर जयंती समारोह 14 अप्रैल 15, 16, 17 तक होना है, समय बहुत कम रह गया है। इसलिए भीमनगरी की हमारी जो अम्बेडकर शोभा यात्रा समिति के अध्यक्ष हैं सक्सेरिया जी हैं भाई, हम समाज के सभी लोग हैं, भीमनगरी के लोग भी हैं, इन सब लोगों ने मिलकर के आज यहाँ बैठे हैं। अच्छी से अच्छी व्यवस्था हो जाए, बहुत भव्य रूप से हमारी जो ऐतिहासिक झांकियाँ हैं निकलती रहें, सब लोग झांकियों में और बढ़ोतरी करें और इस तरह से हमारे अगर किसी भी तरह की कहीं रत्ती भरी कोई अव्यवस्था होती है उस अव्यवस्था को व्यवस्था के रूप में बनाएँ तो बाबा साहब की जयंती का समारोह बहुत अच्छे रूप में हो सकता है। आगरा की जनता से भी हमारी अपील है, हमारी कमेटी की अपील है कि वो हमारे को पूरा सहयोग करें और आगामी 2022 की भीमनगरी समारोह आयोजन समिति का मैं अध्यक्ष हूँ, जो हमारी केंद्रीय कमेटी के सभी महानुभावों ने ये दायित्व मुझे सौंपा है। तो इस वर्ष 2022 में 15, 16, 17 की जो भीमनगरी का आयोजन नगला पद्मा में होने जा रहा है उसमें सर्व समाज के सभी धर्मों के सभी समाज के लोगों ने साथ देकर एक ध्वनि से कहा है कि हम सब मिलकर के संविधान निर्माता भारत रत्न परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती एक साथ मिलकर मनाएंगे। और मेरा सभी आगरा की जनता से निवेदन है कि हमारे आगरा के हर बस्ती से अधिक संख्या में झांकियाँ निकालें और बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती को धूमधाम से मनाएं और सभी समाज इसका सहयोग करें। ये हमारी मीटिंग हो रही है, तीनों समितियों की मीटिंग, भीमनगरी केंद्रीय कमेटी और अम्बेडकर शोभा यात्रा की। ये हमारा इसलिए मंथन करने के लिए बैठे हैं कि जो बाबा साहब का जो मेला हर वर्ष निकलता है, मेला यानी एक आंदोलन है खासतौर से दलित और वंचित समाज के लिए, तो ये जगह किस तरह से हम इसे अच्छा कर सकते हैं, कितना बढ़िया निकाल सकते हैं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं समाज के लोगों से, सर्व समाज के लोगों से विनती करता हूँ कि जितना हो सके इस मेले को भव्य और सफल बनाएं और ख़ास तौर से अपने दलित समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ जितना हो सके झांकियों को, क्योंकि झांकियों की कोविड की वजह से कुछ कमियाँ भी आई हैं, हम चाहते हैं इस बार इस मेले में झांकियाँ ज़्यादा से ज़्यादा निकलें, यही हमारी लोगों की ये मीटिंग हुई है। बैठक में भीम युवा व्यापार मंडल व जाटव महापंचायत आगरा के पदाधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। सभी लोगों ने एक राय होकर वर्ष 2022 की भीमनगरी को और भी भव्य और आकर्षक बनाने की बात कही। इसके साथ ही शासन व प्रशासन से भी इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग की अपेक्षा की है। आज अम्बेडकर सामुदायिक भवन में छिपुटला में भीमनगरी अम्बेडकर जयंती शोभा यात्रा और प्लस क्षेत्रीय कमेटी जो 2022 की आगामी भीमनगरी आयोजन होने जा रहा नगला पद्मा में, वहाँ की टीम उन लोगों के साथ ये बैठ करके चर्चा हो रही है कि किस तरीके से 2022 का आयोजन को भव्य बनाया जाए और समाज जिस तरीके से इस आयोजन को हमेशा बनाता आया है उसमें विशालता और भव्यता लाने के लिए ये बैठक की जा रही है। हर घर तक ये हमारा उद्देश्य है कि मैसेज पहुँचे,
बाबा साहब का कारवा जिस तरीके से काम कर रहा है उस तरीके से कारवा आगे बढ़ता रहे, और आपके चैनल के माध्यम से शासन प्रशासन और आगरा की जनमानस से ये अपील करता हूँ कि इस आयोजन को भव्य बनाने के लिए अपना सहयोग तन मन धन सहयोग प्रदान करें। जय भीम, धन्यवाद। जाटव महापंचायत आगरा का अध्यक्ष हूँ और भीम नगरी केंद्र समिति का मैं पदाधिकारी हूँ। आज यहाँ जो मीटिंग हो रही है, यहाँ सभी जो हमारी कमेटी आए हैं जो अम्बेडकर शोभा यात्रा में भाग लेती हैं, जो हाथी निकालते हैं, वो सारे लोग उपस्थित हैं। और इसमें जो गैप रह जाता है, उस गैप को ख़त्म करने के लिए, मेले को भव्य बनाने के लिए यहाँ विचार मंथन किए जा रहे हैं, और अधिक से अधिक झांकियाँ कैसे निकले इस पर मंथन किया